तो महाराज आज हमारे समक्ष हिरोजी ने जय पताका स्वामी महाराज, उनके बारे में मैं थोड़ा सा शब्द बोलूंगा। उनकी जीवन गाथा, उनकी महान गाथा तो बहुत बड़ी है। मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि महाराज जो है वो प्रभुपाद जी के से जो प्रभुपाद जी से अमेरिका में मिले थे, और जब इनकी उम्र मात्र जब यंग थे, हाँ लगभग 20 वर्ष की अवस्था से थे, और प्रभुपाद जी ने कि इनको जब 20 साल की अवस्था में इनको संन्यास दे दिया था और बोला था कि तुम जाओ, तुम भगवान के जो धाम है मायापुर वहां जाओ, मायापुर धाम को है। वृंदावन और मायापुर अभिन्न है। आज वहीं से हरे कृष्ण महामंत्र पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी महाराज को दी गई। और आज आप सब लोग, आप में से कितने को पता है कि टेंपल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम भी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर मायापुर में आ रहा है? तो आप में से तो इसका बहुत बड़ा श्रेय महाराज को जाता है कि महाराज ने, आपको पता होना चाहिए कि महाराज ही स्पीक्स बंगाली वेरी नाइसली। बंगाली में महाराज पूरे बंगाल में, उड़ीसा में, बांग्लादेश में, अलग अलग प्रांत में जाकर प्रचार किया। आज उनके पूरे विश्व में लगभग 50,000 से 60,000 शिष्य हैं, और ऐसा पूरे देश में जा जाकर इस उम्र में भी उत्साह को वर्धन कर रहे हैं। और आज आप सबकी खुशखबरी के लिए महाराज हिंदी में क्लास देंगे। हरि बोल। तो महाराज की हेल्थ कंडीशन के बावजूद महाराज यहाँ पर आने के लिए, हम सबको उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दिस इज रियली वेरी फॉर्चुनेट फॉर ऑल ऑफ अस। और तो इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग महाराज के मुखारविंद से श्रवण करें शांतिपूर्वक। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीवाते भक्ति वेदन्त स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पुचारिने निर्विशेष सुन्नवादी पाश्चातो देशो तारिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 हराय नम कृष्णा जादवाय नम ओ भव गोविंद श्री मधुसूदन पंगोलते वदंगी वंदे श्री गीतम पवानंद माधव ईश्वर श्री चैतन्य श्राम तत्सत सुना मेरा अभ्यास है
भगवान सभी भक्तों से अनुरोध है कृपया शांति बनाए रखें। महाराज जी प्रवचन शुरू कर रहे हैं, तो आपने सुना कि कैसे महाराज जी के बारे में जब प्रभु जी ने बताया कि कैसे महाराज जी का अभ्यास है बांग्ला बोलने, मैं कोशिश करूंगा हिंदी बोलना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा हिंदी बोलने की। हरि बोल। मैं देखता है, देखता हूँ, मैं अब बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो भक्त लोग हैं, उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये मैथिदास और सब सफारी भक्त, मैं अक्सर भक्त आया था। तो मरीची प्रभु जो कि सब सफारी भक्तों को लेकर आए हैं, लगभग 100 भक्त आए हैं। लगभग 30 देशों से। और कुछ भक्त ऐसे देशों से भी आए हैं जिन देशों का नाम ही आपने नहीं सुना होगा। कल हम लोग जाऊंगा पटना के। कल मैं पटना जाऊंगा। अभी झारखंड चैतन्य लीला हो गया, तो मैं अभी झारखंड में जो भगवान महाप्रभु की लीला है उसके बारे में बताना चाहूंगा। सब भक्त झारखंड देखते चाहे, तो ये सभी भक्त जो सफारी में हैं, ये झारखंड का दर्शन करना चाहते थे। आया सर्बिया से, प्रभु जी आए हैं सर्बिया से, सर्बिया से। भगवान श्री कृष्ण तिने परमेश्वर, भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और उनके बहुत रूप हैं, उनके बहुत रूप हैं। अभिन्न शक्ति और सभी जो रूप हैं भगवान के उनमें अलग अलग भाव हैं। बोला है स्वांगसा और बोला, और बोला गया है कि वह स्वांश हैं। हम लोग जीव आत्मा है, हम लोग जीव आत्मा है। मेरा बोला है विभिन्न अंश, विभिन्न अंश बोला गया है, विभिन्न अंश। बहुत खुदरा अंश है, हम बहुत ही छोटे अंश हैं भगवान के। और भगवान एक्टर भगवान बहुरूप, भगवान एक ही हैं जिनके बहु रूप हैं। हम लोग बहु आत्मा है और हम सभी बहु आत्मा हैं। सबसे पुण्यवान जीव होता है ब्रह्मदेव, सबसे जो गुणवान जीव हैं वो हैं ब्रह्मदेव। शिवा जीव से ऊपर है, तो जो भगवान शिव हैं वो जीव से ऊपर हैं। और उनके ऊपर है विष्णु है, और उनके ऊपर हैं विष्णु आदि परमेश्वर होता है श्री कृष्ण, और आदि परमेश्वर हैं श्री कृष्ण। ब्रह्मा संहिता पढ़ रहा है ईश्वर ब्रह्मा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद
ब्रह्म संहिता में ये प्रार्थना है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण विचार होता है सारा विश्व, और इस समय भगवान कृष्ण का प्रचार हो रहा है पूरे विश्व भर में। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ऐसा अभी प्रचार होता है और ये अभी भी प्रचार कर रहे हैं। ऐसी बात स्वामी बाबा स्वयं 108 मंदिर स्थापित किया, शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 108 मंदिरों की स्थापना की थी। उनका आदर्श है मेरा मंदिर कम से कम राखा कीजिए, और प्रभुपाद का ये आदेश है कि जो भी मंदिर उन्होंने बनाए हैं कम से कम उन मंदिरों की रक्षा करनी चाहिए। विस्तार हो सकता है ज्यादा, ठीक है, अगर आप इसका विस्तार कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अभी 800,000 सगा हो गया, और अभी पूरे देश विदेश में इस्कॉन की 800 से 1,000 शाखाएं हैं। हरिओम। श्री कृष्ण बहुत लीला है, तो भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं। द्वारका में विष्णु राजसभा आखा कृष्ण योग दिया, तो द्वारका में विष्णु कृष्ण ने एक एक लीला में योग दिया। और कृष्ण 16,108 रानी था, और कृष्ण की 16,108 रानियां थी। एक कृष्ण रात से चल गया, 16,108 कृष्ण गया, और भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार किया और 16,108 रूपों में उन रानियों के पास गए। एक रानी संग सते, एक रानी संगे गया, और हर रानी के साथ एक कृष्ण थे। योगी अष्ट रूप विस्तार कर सकता है, एक जो योगी है वो 8 रूप में अपना विस्तार कर सकता है, लेकिन एक चेतना होगा, लेकिन उन सभी की चेतना एक ही होगी। महल दर्शन किया, ये एक एक कृष्ण संपूर्ण भिन्न लीला करता है। तो नारद मुनि ये देखना चाहते थे कि भगवान कृष्ण अलग अलग रानियों के साथ है, तो वे जब देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि कैसे भगवान कृष्ण प्रत्येक रानी के साथ अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। रानी संग चेस खेला करता है, एक रानी के साथ वो शतरंज खेल रहे थे, एक मंत्री के संग साथ राजनीतिक बातचीत चल रहा है, एक महल में वो एक मंत्री के साथ राजनीति की बात कर रहे थे। सफन बिना वहां बिना प्रत्येक 16,000 तो जो भी 16,108 भगवान कृष्ण के रूप थे, हर एक कृष्ण अलग अलग लीलाएं कर रहे थे। जब कृष्ण कुशल में अवतीर्ण हो गया
यशोदा माई कले वाचा रूप में था। तो गोकुल में भगवान कृष्ण ने अलग लीला की और वो माता यशोदा की गोद में थे बच्चे के रूप में। लेकिन फूटना पिशाचा सुंदरी महिला रूप दान किया और कृष्ण संग मेरा दूध स्तन से दूंगा। और पूतना ने एक बहुत ही सुंदरी का एक रूप धारण किया और उन्होंने कृष्ण को बुलाया कि आपको मैं दूध पिलाना चाहती हूँ, आप स्तन पान कराना चाहती हूँ। इसलिए और स्तन में बीज लग गया। तो पूतना अपने स्तन के ऊपर बहुत ही विषैला एक विष लगा कर आई थी। एक पूतना होता है कंसा बनो। तो पूतना जो थी वो कंस की बहन थी। एक इच्छा है कृष्ण को मार देंगे। पूतना की इच्छा थी कि वो कृष्ण को मारना चाहती थी। स्नेहा देखा था लेकिन कृष्ण ने देखा कि वो बहुत स्नेह दिखा रही है मुझे। सुंदर बच्चा वो ऐसा कह रही है, ओ कितना सुंदर बच्चा है। लेकिन सुस्त था मेरा जब अगर संतान होता है इस प्रकार संतान चाहिए। तो पूतना भी ये सोचती थी कि अगर मेरा कोई संतान होगी तो मैं चाहूंगी कृष्ण जैसी हो। और मैं बहुत ही दुखी हूं कि मुझे इस शिशु की हत्या करनी पड़ेगी। लेकिन कृष्ण की तो दे बोलता है मेरा जिस प्रकार कृष्ण के पास जाऊंगा इस प्रकार बड़ी बात करेंगे। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि किसी भी प्रकार से अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। पूतना चाहता है कृष्ण मारना। पूतना चाहती थी कृष्ण को मारना। चलिए कृष्ण इसलिए कृष्ण प्रतिभाव होना से पूतना के मार दिया। तो इसका जो आदान प्रदान भगवान कृष्ण ने ऐसे किया कि उन्होंने पूतना का ही वध कर दिया। लेकिन पूतना चाहता था इस प्रकार सम्मान चाहिए इस भाव अनुसार में स्थान में दिया। तो हालांकि पूतना चाहती थी कि वो कृष्ण के जैसी एक संतान प्राप्त करें तो भगवान कृष्ण ने उन्हें मां का स्थान दिया वैकुंठ लोक में। अरे वो कृष्ण कृपा किया। तो कृष्ण ने ऐसी कृपा की। कृष्ण सब बंधु है। तो कृष्ण सभी के बंधु हैं। उनके कृष्ण माने मुक्ति है, कृष्ण भक्ति करे मुक्ति है। तो कृष्ण अगर किसी को मारे तो भी वो मुक्ति है और अगर कृष्ण की कोई भक्ति करे वो भी मुक्ति है। कृष्ण भगवान एक नाम है त्रियुगा। तो कृष्ण का एक नाम है त्रियुगा। हमारे आता है सतयुगा, त्रेतायुगा, द्वापरयुगा आता है। जिसका मतलब है कि वो सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में आते हैं। प्रकाश होता है भगवान और प्रकाश भगवान और प्रकाश करते हैं कि मैं भगवान हूँ। कृष्ण
कलयुग में आता है छन्न अवतार रूप में, लेकिन कलयुग में भगवान अवतार लेते हैं छन्न रूप में, लेकिन कलयुग में बहुत प्रचार करता है मेरा भगवान है, लेकिन भगवान, लेकिन इस कलयुग में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, लेकिन असल भगवान मैं भगवान, लेकिन जो असली भगवान है वो नहीं बोलते कि मैं भगवान हूं। कभी इस कलयुग श्री चैतन्य महाप्रभु आया, तो इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया, नित्यानंद होता है बलराम, और नित्यानंद बलराम एक द्वारका में रुक्मिणी कृष्ण के अच्छे कृष्ण सब में बोला सब कुछ जानता है। तो द्वारका में रुक्मिणी भगवान कृष्ण को बोलती हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, अगर ब्रह्मा देव सत्यलोक रक्षा करता है आप जानता है, ब्रह्मा लोग सत्यलोक, ब्रह्मा देव सत्यलोक में क्या करते हैं आप जानते हैं, कैलाश महादेव क्या करता है आप जानता, कैलाश में महादेव क्या करते हैं आप वो भी जानते हैं, आनंद कोटि ब्रह्मांड क्या होता है जानता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है आप सभी जानते हैं, चीज नहीं जानता, एक चीज है जो आप नहीं जानते, राधा जानता है मैं जानता हूँ, राधा रानी जानती है और मैं जानती हूँ, लेकिन आप नहीं जानता है, लेकिन आप नहीं जानते, कृष्ण इस बातचीत कृष्ण का सब नहीं क्यों नहीं बोला, ऐसा आज से पहले कृष्ण को किसी ने नहीं बोला था, क्या है नहीं जानता, तो कृष्ण रुक्मिणी से पूछते हैं ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता, अरे खुदा के बाद में रुक्मिणी बोला, तो बहुत देर उनकी वार्तालाप होती है और उसके बाद रुक्मिणी बोलती हैं, जिस प्रकार मक्षा आपको आप तुम प्रेम करे, तो किस प्रकार आपके भक्त आपसे प्रेम करते हैं और मैं जानता है, आप ये नहीं जानते, एवं कितना प्रेम करता है और मैं जानता है, और कितना आपसे प्रेम करते हैं वो आप नहीं जानते, आपका ऊपर में क्यों नहीं आए, आपके ऊपर में क्यों नहीं है, आपके ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं जानता, इसलिए आप नहीं जानता है भक्त प्रेम, इसीलिए आप भक्त प्रेम नहीं जानते, हाँ जाने जानता है मैं जानता हूँ आप नहीं जानता, राधा रानी जानती हैं मैं जानती हूँ, लेकिन और कोई आप नहीं जानते, कृष्ण बोला ठीक है मैं तो कृष्ण ने बोला ठीक है मैं कलयुग में भक्त रूप में आऊंगा, भक्त रूप में आऊंगा, भक्त रूप में आऊंगा, हरि बोल, ऐसे आया गौरंग रूप में, चैतन्य महाप्रभु कलयुग में गौरंग महाप्रभु के रूप में आए, भगवान का रूप है, एक एक जो भगवान का रूप है उसका एक एक भाव है, उनके भाव है सांख्य योग, तो कपिल मुनि ने अवतार लिया और उनका भाव था सांख्य योग,
वहां रायम आया था, बद्रीनाथ आश्रम में नारायण आए थे, बद्रीनाथ आश्रम में तपस्या भाव आए, तपस्या के भाव में जो रामचंद्र जी आया उसका भाव राजा भाव। तो रामचंद्र आए वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक राजा के भाव में। नरसिंहदेव आया क्रोध भाव, नरसिंहदेव आए क्रोध के भाव में। भक्त हिरण्यकशिपु अत्याचार करता है इसलिए क्रोध आए, क्योंकि उनके शुद्ध भक्त के ऊपर हिरण्यकश्यपु अत्याचार कर रहा था इसीलिए उन्हें क्रोध आया। चैतन्य महाप्रभु उनका भाव है कृपा, चैतन्य महाप्रभु उनका भाव है कृपा का। कृपा चाहता है आप में से कितने भक्त चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहते हैं, हाथ उठाइए। हरि ओम। नित्यानंद नित्यानंद नित्यानंद। अरे देखो इस स्टेज में स्टेज में पशु हनी राग आएगा, और इसी स्टेज पर कुछ ही देर में पशु आएंगे, हाथी बाघ हरिण हिरण। और भगवान श्री चैतन्य ने पशु कीर्तन किया और चैतन्य महाप्रभु की कृपा इतनी थी कि उन्होंने पशुओं के साथ कृष्ण कीर्तन किया। हरि हम लोग इतना क्षमता नहीं है पशु के पशु के कीर्तन करना, हम सब में इतनी क्षमता नहीं है कि हम पशुओं को कीर्तन करा दें, लेकिन कम से कम मानव अगर कीर्तन करता है कर सकता है सब होगा, लेकिन अगर मानव हरि नाम संकीर्तन कर पाए तो हम सभी सफल होंगे। हरि बोल। आप लोग कुछ कीर्तन करेंगे तो आप लोग कुछ कीर्तन करेंगे इस कलयुग का धर्म है, कलयुग का धर्म है, कलयुग का धर्म है हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। इति सहस्रनाम नाम कलिकालनाशनम नाम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम कलयुग है, कलयुग में भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन करना युग धर्म है। आप लोग चाहता है आप लोग सब परिवारानंद असल होगा, मेरी इच्छा है कि आप सभी लोग ये प्रेम का जो आनंद है इसका आस्वादन करें। अरे देहा शरीर से सुख होता है दुख होता है, ये जो शरीर ये जो देह हमें प्राप्त है इसमें हमें दुख भी मिलते हैं और सुख भी मिलते हैं, सुख होता बहुत खुद रहा है बहुत, लेकिन जो सुख प्राप्त होता है
वो बहुत ही कम होता है जिसकी सीमा होती है। और दुख, और तो दुख, और दुख जो होते हैं उनकी कोई सीमा ही नहीं होती, असीमित। इसलिए गीता में कृष्ण द्वारा दलाल होता है दुख वाला। इसीलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि ये जो जगत है ये दुखालय है। दुखालय अशाश्वतम, दुखालय अशाश्वतम, अस्थाई सुख है, अस्थाई दुख है। अस्थाई सुख है और अस्थाई दुख है। सागर वैसे सुख, तो जो स्वर्ग सुख, तो जो स्वर्ग है उसमें ज्यादा सुख है, स्थान अधिक सुख अधिक दुख, और उसके ऊपर जो मध्य लोक है उसमें अधिक सुख होता है और अधिक दुख होता है। और जो नीचे के लोक हैं उनमें बहुत दुख होता है और बहुत थोड़ा सा सुख होता है। सागर से देवता बोलता है मेरा इतना तकलीफ हो गया, जो स्वर्ग से देवता बोलते हैं कि मुझे इतनी तकलीफ इतने कष्ट हैं, इतना तकलीफ इतना सुख है, हम सदैव सुख हम भगवान के बोलता है, क्योंकि वहां पर इतना सुख है कि हम भगवान को भूल जाते हैं। मेरा कभी कभी आता है असुर और युद्ध करता है, और कभी कभी भगवान असुरों के साथ युद्ध करते हैं। चैतन्य देव नित्यानंद के बोला हम लोग प्राणिक जगत से अवतार किया, चार आदमी उदार करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं कि हमने आध्यात्मिक जगत से अवतार लिया है चार प्रकार के लोगों का उद्धार करने के लिए। चार प्रकार, चार प्रकार कौन है, कौन है आप में से चार प्रकार? मूर्ख, जो मूर्ख है वो सुस्त है, माइंड सही है। तो मूर्ख वो लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, नहीं जानता है माइंड कौन है, वो नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, वो मूर्ख है, नीचू। ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण सब नीचू, तो ब्राह्मण क्षत्रिय को छोड़ के जो उनके नीचे होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय अगर चक्री करता है अभी आश्रय सुधा है, तो अगर ब्राह्मण या सत क्षत्रिय अगर वो भी नौकरी करते हैं तो उनको भी शूद्र माना जाता है। हमारा सनक क्षत्रिय होता है, तो क्षत्रिय भी अगर नौकरी करे तो वो शूद्र होता है। हरे कृष्णा, भक्तों से अनुरोध है कि अपने कृपया शांति बनाए रखें और बच्चों को संभालें। पतित होता है उनके लिए, और तीसरा है पतित, जो पतित है उनके लिए। पतित जो भी मांग सकता है न सकता है, जो करता है अवैध संग है, तो पतित वो लोग होते हैं जिनका आचरण अच्छा नहीं होता, जो मांस खाते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, अवैध स्त्री संग करते हैं, तो दुखी है, कष्ट मिलता है। और जो चौथी जो श्रेणी है वो लोगों की है जो दुखित हैं, जिन्हें बहुत कष्ट है। आदमी उदार करेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे नित्यानंद प्रभु को कि इन चार प्रकार के लोगों को उनका उद्धार करने के लिए हम आए हैं। एक चार अंदर में होता है, तो आप में से कोई है जिन्हें जो इन चार श्रेणियों में आते हैं? कभी दुख मिलता है,
इसलिए से जननार आया, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया। झारखंड में किया और चैतन्य महाप्रभु झारखंड में आए। नवदेव अंदर अंदर नवदेव अवधे नहीं किया, सिद्धांत नहीं परमापुरी में किया। नवदीप में उन्होंने अवतार लिया, उसके बाद जगन्नाथपुरी में गए, दक्षिण भारत भ्रमण किया। दक्षिण भारत में उन्होंने भ्रमण किया, वृंदावन जानकी मैया झारखंड में गया। और जब महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे तो वो झारखंड की तरफ से आए। हाँ, पिताजी और पिता पूजा करने के लिए, श्राद्ध होने के लिए गया गया। और वो श्राद्ध और पिंड दान करने के लिए गया कि गए थे। स्वयं भक्ति विहार प्रकाश हो गया, तो प्रेम भक्ति का जो लीला जिसका प्रकाश हुआ वो बिहार में हुआ, नवदीप में नहीं, नवदीप में नहीं हुआ। नवदीप में निमाई पंडित रूप में था। नवदीप में चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में थे। गया में दीक्षा लिया, सिद्धांत नहीं था, प्रेम भक्ति प्रकाश हो गया। गया में महाप्रभु ने दीक्षा ली और वहां पर जो प्रेम भक्ति है उसका प्रकाश हुआ। हरि बोल। तो बिहार झारखंड भगवान चैतन्य देव बहुत लीला था। तो चैतन्य महाप्रभु की बिहार और झारखंड में बहुत सारी लीलाएं थी। धन्यवाद आने के लिए, दुकान में तो सब आनंद इत्यादि। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज इस प्रोग्राम में आने के लिए। इसके बाद सफारी के जो 100 भक्त हैं वो आपके आनंद के लिए एक नाटिका प्रस्तुत करेंगे। जय शिल जय पिता का स्वामी गुरु महाराज की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। टू थैंक देम टू सॉरी। So thank you very much, thank you. We are continuing this beautiful cultural program. And also we will inform all the Safari devotees that for tomorrow in our ISKCON temple we inviting for all of you, so the Safari devotees, His Holiness Bhaktidira Damodar Maharaj, to give a Srimad Bhagavatam class tomorrow. It's okay? So now the next program today will be the Jat Bharat drama. It's a very beautiful drama. So अभी जो जड़ भरत के ऊपर बहुत सुंदर ड्रामा प्रस्तुत होने वाला है। So we are ready to start whenever we have the stage ready. We're going to start the Jat Bharat drama. So now, please.